नमस्कार, मैं हूँ सलामत अली। और पिछले दिनों जिस तरह से देखा जा रहा है, जो माहौल देश का बना हुआ है, गौरक्षा के नाम पर जिस तरह से हत्याएं की जा रही है, और साथ ही साथ जिस तरह से जो वातावरण पूरे देश भर में बनाया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ शान इलाही मौजूद है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, और शनिवार के दिन इन्होंने एक बड़ा विशाल मोर्चा जो है वो निकाला था। शान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये जो पूरा वातावरण दिख रहा है, पूरे देश का जो माहौल बना हुआ है, उस पर सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा। आपने मुझे मेरी बातें रखने का आपके चैनल पे इनवाइट किया। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हमारे देश में, तो ये हैं वो लोग कि मुसलमान और दलित, इन लोगों को हमारे उसूलों पे चलना पड़ेगा, हमारे हुकुमों पे चलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सामने, इंशाल्लाह, ये इनके सामने चैलेंज करता हूं, आरएसएस की कुछ ऐसी इनके पास संगठनाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप बलवाना चाहते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पे चलें। लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं, जिंदगी जितनी जब तक बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह ताला ये चैलेंज के साथ कि आरएसएस की विचारधाराओं को हिंदुस्तान में कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और हम बाय चॉइस हैं, बाय बर्थ हैं हिंदुस्तान में, मुसलमान दलित हिंदू एक साथ रहता है, मिलजुल के रहता है, शांति का प्रतीक है, अमन चाहता है, चैन चाहता है, सुकून से रहना चाहता है। लेकिन इनकी जब से सरकारी है, इनके ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए दिन गौरक्षकों के नाम के इनके कार्यकर्ता इनके कत्लेआम करे जा रहे हैं, आखिर कब जवाब देगी ये सरकार? 23 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जुनेस से लेके रोहित वेमुला तक, और अय्यूब से लेके नजीब तक, और नजीब से लेके अखलाक तक, आखिर इन मौतों का जवाब कौन देगा? और इसके पीछे जो साजिश कर रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे कब पहुंचेगी? शानिल भाई, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरह से जो बातें चल रही है, अगर बीजेपी की बात करें, तो साफ तौर पर बीजेपी के खुद प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गौ रक्षा के नाम पर जो चीजें हो रही है उसका वो खुलकर निषेध भी करते हैं, और उन लोगों को एक तरीके से चेतावनी जो है वो भी देते नजर आ रहे हैं। क्या, किस तरह से इसे देखते हैं आप? देखिए सलामत जी, ये तो कैसा है कि दर्द फूटा है दिल से, लेकिन ये अंदरूनी कथनी और करनी में बहुत अंतर है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि आज रस्तों पे जनता आ रही है, सेलिब्रिटी हो या कोई ऑफिसर हो या बहुत सारे अधिकारी हो, सब रस्ते पे उतर रहे हैं, और सब भारतीय जनता पार्टी की जो ये साजिशें हैं इनके खिलाफ जो आवाजें उठा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को ये डर लगने लगा है कि 2019 का जो मेरा सपना है, फिर से मैं इस देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराऊं। लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि आपने इतनी बुरी हालत कर दी है, आपने एक बार, मैंने आपका भाषण सुना था, उसमें आपने ये कहा था कि न मैं खाऊंगा और न मैं खाने दूंगा, और वो सही बात है। आपने जीएसटी लागू करके इस देश के गरीबों से उनका निवाला तक छीन लिया, तो आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 2019 में आप ये सपना देखना छोड़ दीजिए। फिलहाल जिस तरह से जो मोर्चा निकाला गया था आपकी ओर से, और साथ ही साथ कई सारे एनजीओ थे, शनिवार के दिन अगर खासतौर पर बात करें तो सिर्फ कुर्ला में ही नहीं बल्कि जोगेश्वरी में भी और कई अन्य जगहों पर जो है वो इसके खिलाफ मोर्चा जो है वो निकाला गया। दो दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की ओर से, अबू आसिम आजमी की ओर से जो है वो देखा गया था कि आजाद मैदान में मोर्चा निकाला गया था। कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर अब क्यों जो है वो जितने भी जो राजनीतिक संगठन है और जितने भी जो सोशल एक्टिविस्ट है वो अब आ रहे हैं जुनेद के वाकये के बाद। इससे पहले कई वाकये हुए, उस वक्त आखिर ये जो पार्टियां है वो और जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो कहाँ थे? आपकी बात सही है, कुछ इसमें जो राजनेताएं हैं
मैं कहता हूं राजनीति को इसमें ना इन्वॉल्व कीजिए। कुछ ऐसे हमारे अपने ऐसे राजनेता है, बड़ी शर्म आती है कहते हुए, जो हिंदू मुसलमान की जातिवाद की राजनीति करते हैं, बाहर स्टेट से आते हैं, यहाँ पर लड़वाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपनी जेबें भरते हैं और जब वक्त इलेक्शन का आता है तो फिर आ जाते हैं झोला उठा के। ऐसे पार्टियों को हम निषेध करते हैं। और कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो भारतीय जनता पार्टी की आड़ में अपने धंधे चला रहे हैं, ऐसे आईएएस अधिकारियों को पाल के रखे हैं जो रिश्वतों से उनके भरमार, उनके ऊपर कभी सीबीआई इंक्वायरी नहीं बैठती। आज गरीब मर रहा है लेकिन अमीर अमीर होता जा रहा है, क्योंकि जो भी कानून पास हो रहे हैं सरकार के द्वारा वो गरीबों के लिए हो रहे हैं, वो अमीरों के लिए नहीं हो रहे। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, लेकिन ये आपको 2019 में ये सोशल एक्टिविस्ट हो या एडवोकेट हो, डॉक्टर्स हो, हिंदुस्तान का आम बच्चा, आम नागरिक ये जान चुका है कि हिंदुस्तानियों की जो जान ले रहा है वो सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो बीजेपी का वर्कर है, जो आरएसएस की विचारधारा को मानता है, जो विश्व हिंदू परिषद के रास्तों पे चलता है। लेकिन ये याद रखिए, हिंदुस्तान है, यहाँ पे कानून से बढ़ के कोई चीज को ना देखा गया है और नहीं देखा जाएगी। हमें भरोसा है हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे और हमारे पुलिस अधिकारियों पे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन्हें जिस तरह से उन्होंने जुनेद को मारा, अखलाक को मारा, उसी तरह से उन्हें सजाएं दी जाए, फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जाए। इसके अलावा जाते जाते शानीलाल जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि मोर्चा निकाला गया, विशाल मोर्चा निकाला गया, जनता जो आक्रोशित थी वो जनता आप लोगों के साथ आई, लेकिन ये जो मोर्चा निकाला गया उसके बाद क्या क्या आगे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है वो आप लोगों की ओर से की जाएगी, या फिर सिर्फ क्योंकि उत्तर प्रदेश और ज्यादातर बिहार में देखा जा रहा है ये जो मामले हो रहे हैं, इसका जो है सिर्फ मुंबई में, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि मुंबई में इसका जो ये जो निषेध किया जा रहा है ये सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए की जा रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये होगा कि क्या इसके आगे भी कोई कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों के खिलाफ कोई प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी? जरूर, देखिए इसमें कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। कल जो है जय हो फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है मेरे बड़े भाई हैं अफरोज मलिक साहब, 10,000 ऐसे पोस्ट कार्ड लाए हैं और प्रधानमंत्री के ऑफिस के ऊपर मैसेज लिखा गया है उस पोस्ट कार्डों पर, और वो भिजवाए हैं ये आंदोलन के, कि साहब कब कत्लेआम बंद होगा, साहब कब हमें न्याय मिलेगा, प्रधानमंत्री जी कब हमें सुकून से चैन की सांस आप लेने देंगे, प्रधानमंत्री जी आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे बुरे दिन हमें वापस लौटा दो। तो हर तरीके के लोग थे, आम नागरिक थे उसमें, बहुत बुजुर्ग थे, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यही मैसेज पहुंचाया देश के प्रधानमंत्री जी को कि अब बस कीजिए, अब सहा नहीं जाता। ये याद रखिए, यहाँ का दलित, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान कमजोर नहीं है, लेकिन वो देश में अमन और शांति का प्रतीक चाहता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आती है वो ये दर्शाना चाहती है कि हमारी सुनो, हम जो पहने तो वो बोलो, हम जो खिलाए तो वो खाओ, ऐसा नहीं हो सकता। यह डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, सबको जीने का, रहने का, बोलने का अधिकार है। और आने वाले वक्त में आपको जरूर सलामत जी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो जुल्म ढा रही है 2019 में, शायद हमें उन्हें टाटा बाय बाय भी कहना पड़े। जाते जाते जो गौरक्षक है, या फिर क्योंकि गौरक्षक में भी दो प्रकार के लोग देखे जा रहे हैं, जो वाकई में गाय माता की जो रक्षा करना चाहते हैं वो एक तबका है, एक तबका ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ गौ रक्षा के नाम पे जो है वो जुल्म सितम कर रहा है, उनको क्या मैसेज आप लोगों की ओर से होगा? देखिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, ये गौ रक्षक तो सिर्फ बहाना है। अगर सच में आप गौ माताओं के रक्षक हैं तो गौशालाओं में जाके एक बार क्यों नहीं देखते। कल ही गुजरात का एक वाकया है, वहां पे 30 से 40 गायों की मौत हो गई। क्यों हो गई? बरोबर रहन सहन नहीं, प्रॉपर खाना पीना नहीं, सही से उनके लिए फैसिलिटीज नहीं। अगर इतनी ही चिंता है तो गौशालाएं बनवाइए, उनकी खिदमत कीजिए, रस्तों पे गौ माताएं चलेंगी तो ये तो चीजें होंगी। और दूसरी बात, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मुझे राहत इंदौरी साहब की दो लाइनें याद आती हैं, उन्होंने कहा था कि सभी का खून शामिल है यहाँ मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
जी बिल्कुल, किसी की हिंदुस्तान जो है वो किसी की जागीर नहीं है, हर किसी ने इसमें कुर्बानी दी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। फिलहाल शानिलाल जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जिस तरह से जो माहौल चल रहा है भारत देश में, उसके बाद अब गौरक्षा के नाम पर जो भी तमाशा चल रहा है उसके खिलाफ विशाल मोर्चा निकाला गया, और खासतौर पर सिर्फ यही मकसद था कि ये जो गौरक्षा के नाम पर ये जो हत्याएं की जा रही है उसे रोका जाए, उसे बंद किया जाए, और भारत में फिर एक बार जिस तरह से भारत पहले अमन और शांति के साथ सिर्फ और सिर्फ विकास के राह पे चल रहा था, विकास की बातें कर रहा था, फिर एक बार भारत देश सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करे, हर किसी को एक साथ लेकर चलने की बात करे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।